नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितेश और आप देख रहे हैं YouTube चैनल कंपटीशन बॉस। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि TGT का अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर लें। साइट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है लेकिन वो ठीक हो जाएगी। आप टाइम टू टाइम ट्राई करें और जल्दी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके इसकी पढ़ाई को पूरी तरीके से कंप्लीट करते हुए और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम दें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। उत्तर प्रदेश में TGT की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां बात करेंगे ग्राम पंचायत सहायक भर्ती के बारे में, जिसके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बनाया था कल। 58,000 से अधिक इसमें वैकेंसी है और ग्राम पंचायतों की बात करें तो 58,189 ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती है ये। इसको अकाउंटेंट कम DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती भी कहते हैं। अब वो 14 इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। जिसको जानकारी है वो भी, जिसको नहीं है वो भी, इस वीडियो को पूरा देखना और इन डिटेल्स को अपने कागज पेन से नोट जरूर कर लेना, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, फॉर्म फिल करेंगे इसके, 2 अगस्त से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, 2 अगस्त से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, तो जब आप इसके फॉर्म भरेंगे तो आपको ये डिटेल्स बहुत काम आने वाला है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं पूरा डिटेल की वो डिटेल क्या है और वो सारा डिटेल जानने के बाद आप इस भर्ती के बारे में कंप्लीट नॉलेज भी ले पाएंगे। तो सबसे पहली बात ये कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो देखिए 58,189 ग्राम पंचायत है और हर ग्राम पंचायत में एक भर्ती की जानी है, तो इतने ही पद हो गए यहां पर, ठीक है। तो बहुत बड़ा एक भर्ती का ऐसा मेला लगने वाला है जो ग्राम पंचायत वाइज लगेगा अभी, और 2 अगस्त से इसका जो है वो टाइम है, तो इसके फॉर्म आप 2 अगस्त से भर सकेंगे। अब बात नोटिफिकेशन की कर लेते हैं, तो नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा आपका 31 जुलाई या 1 अगस्त को। तो ये नोटिफिकेशन के लिए 2 डेट्स हैं, इनमें से एक कोई भी डेट नोटिफिकेशन आ सकता है, बाकी गवर्नमेंट का मामला है, कुछ भी आगे पीछे हो सकता है, पर अभी टेंटेटिव ये है। तो सबसे पहली बात करें हम यहां इस भर्ती में, तो भाई ये भर्ती कितनी टिकेगी, यानी कि ये स्थायी है या अस्थायी। तो भाई संविदा पर है, 1 साल के लिए भर्ती की जाएगी और फिर ग्राम सभा ये तय करेगी 1 साल बाद कि आपका काम अच्छा है कि खराब है, उस आधार पर आपका जो आगे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे बढ़ेगा या फिर खत्म हो जाएगा, ये ग्राम सभा तय करेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो ग्राम पंचायत सहायक की सैलरी की बात करें उत्तर प्रदेश में तो 6,000 रुपए दिए जाएंगे। कुछ साल पहले यानी कि जब यहाँ BJP गवर्नमेंट थी राजस्थान में, तो यहाँ भी ग्राम पंचायत सहायक की भर्ती की गई थी और उन्हें भी 6,000 रुपए दिए गए थे और ग्राम पंचायत के बजट से दिए गए थे, लेकिन उन्हें लगा दिया गया था स्कूलों में, यानी काम वो स्कूलों में करेंगे और भर्ती उनकी ग्राम पंचायत ने की थी। तो इस तरीके से यहाँ पे था, फिर उनके सैलरीज बढ़ाने के लिए कुछ कोशिश की गई और वो अभी तक हालांकि रेगुलराइज नहीं हुए, लेकिन वो अभी तक लगे हुए हैं। तो 1 साल के लिए भर्ती जरूर है उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन आगे भी कहीं नहीं जा रही, ठीक है। 2 चीजें होंगी। अब बात करें कि इसके आरक्षण किस प्रकार होगा। तो देखिए एक ग्राम पंचायत में एक ही सीट है तो रिजर्वेशन तो हो नहीं सकता, लेकिन रिजर्वेशन इन्होंने किस तरीके से किया है कि जिस ग्राम पंचायत में जिस कोटे की सीट है, मान लीजिए किसी एक्स ग्राम पंचायत में ST कोटे की सीट है या SC कोटे की सीट है, तो उस पर ये जो ग्राम पंचायत सहायक की भर्ती होगी उसी कोटे से होगी, है ना। तो ये चीज इसमें आरक्षण के लिए इस प्रकार, यानी कि टोटल पर आरक्षण लागू होगा, ग्राम पंचायत वाइज आरक्षण लागू नहीं होगा, ये चीज इसमें क्लियर कर दी गई है पहले से। अब बात करें इसके फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, हाउ टू फिल फॉर्म ग्राम पंचायत सहायक। तो इसके फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, इसके आवेदन कैसे भरे जाएंगे, इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको कहां मिलेंगे, आप कैसे भरें, तो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ग्राम पंचायत सहायक भर्ती का उत्तर प्रदेश वाला ये इसका शासन आदेश जारी हो चुका है, आप देख लेना, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिटेल्स वही है जो मैंने आपको अभी वीडियो में बताई है। और अब यहाँ हम नीचे आ जाते हैं सीधे इसके आवेदन पत्र पर। आवेदन पत्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ शासन आदेश में ही जब हम नीचे जाते हैं इसके डिटेल्स के साथ इन्होंने आवेदन पत्र भी संलग्न कर दिया है, उसका नमूना भी संलग्न कर दिया है। तो देखिए यहाँ से हम देखेंगे, नीचे आ जाते हैं, ये देखिए आप, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु आवेदन संलग्नक 2। यहाँ आपका फोटो चिपकाया जाएगा, यह आवेदन का प्रारूप है जिसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, हाई स्कूल के अंक में जो अनुसार वो है, आपकी आयु 1 जुलाई 2021 को क्या होने वाली है, जेंडर भी लिखना है और आपकी श्रेणी लिखी है, पत्र व्यवहार का पता लिखना है, यानी कि आप यहाँ आपको वो एड्रेस लिखना है जिस पे आपको यहाँ से लेटरबाजी करनी है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, फिर यहाँ आपका शैक्षिक योग्यता यानी कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखनी है हाईएस्ट, यानी आप मान लीजिए ग्रेजुएट है तो यहाँ ग्रेजुएट, फिर 12th, फिर 10th, इस प्रकार लिखनी है, ऊपर हाईएस्ट और नीचे निम्न, इस प्रकार आप लिखें। और प्रमाण पत्र भी आपको लिखना है, बोर्ड परीक्षा का नाम, सब डिटेल आपको भरना है। और कार्य का अनुभव वर्ष में अंकित करें, आप कितने साल आपने कोई काम किया है तो उसका अनुभव आपको कितना है। और यहाँ
कोविड 19 से मृतक व्यक्ति के वारिसान के रूप में आवेदन किया जा रहा है अथवा नहीं, तो ये भी आप में हाँ नहीं आपको भरना है। और इतना सा केवल परफॉर्मा है जो यहाँ आपको डाउनलोड यहाँ से भी कर सकते हैं आप, मैंने लिंक आपको दे दिया है, और यहाँ उसके आपके हस्ताक्षर करने हैं। और ये आपका एग्रीमेंट है, ये भी आपको कॉपी निकालनी पड़ेगी क्योंकि एग्रीमेंट पर भर्ती है ये। और बाकी यहाँ आपको दो गवाह देने पड़ेंगे, जिसमें गवाह फर्स्ट और गवाह नाम, ये आपके एग्रीमेंट में ही संलग्न होकर के आएगा। तो ये छोटा सा इसका इन्होंने एक वो रखा है, ये इसका इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो इसके में जो आपकी सूचना मिलेगी आपको 30 जुलाई 1 अगस्त को जारी हो जाएगी ग्राम पंचायत के सूचना पट पर, ठीक है, मुनादी द्वारा पता लग जाएगी। फिर यहाँ आप चाहें तो जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकास खंड कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय में भी आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं 2 अगस्त से 17 अगस्त तक, 18 अगस्त से 23 अगस्त तक। ये क्या होगा, यहाँ आपके जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकास खंड कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाया जाएगा। फिर 24 अगस्त से 31 अगस्त तक यहाँ आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, फिर इनको एक कमेटी के समक्ष भेजा जाएगा। फिर 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में यहाँ जिलाधिकारी द्वारा एक कमेटी गठित की जाएगी जो इसका परीक्षण करेगी और नियुक्ति के लिए संस्तुति करेगी। 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में ये सब होगा। फिर नियुक्ति पत्र आपको मिलेगा 8 सितंबर से 10 सितंबर तक, ये इसका डेट शेड्यूल है जो जारी कर दिया गया है। साफ साफ कह दिया है कि सादे कागज पर आपको एप्लीकेशन के लिए आवेदन करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें और भी डिटेल दिया हुआ है, वो ये कि आवेदन के लिए आप ग्राम पंचायत, ठीक है, या फिर संबंधित विकास खंड, ग्राम पंचायत या फिर संबंधित विकास खंड कार्यालय या फिर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, 3 जगह बताइए आपको, इन तीनों जगह में से कहीं से भी आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वहां आपको फॉर्म मिलने के पूरे चांस है, मैक्सिमम डिटेल भी आपको वहीं से मिलेगा, ठीक है। नहीं तो अपने जनप्रतिनिधि, सरपंच वगैरह की आप हेल्प ले सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पूरा जो दाव पेच रहेगा वो नहीं कराएगा। अब बात करें वो डॉक्यूमेंट जो आपको फॉर्म के साथ लगाने हैं, तो अपने शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र आपको लगाने पड़ेंगे, यानी कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अपना आधार कार्ड, ये सब चीजें आपको लगानी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको वहां लगानी जरूरी है। राशन कार्ड भी हो सकता है आपका, बैंक पासबुक आईडी हो सकती है जिसमें आपका एड्रेस प्रूफ हो रहा हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो रही हो, वो सब डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे। अब इसमें आगे देखें हम छूट के हिसाब से, यानी कि आरक्षण वाइज, तो एससी एसटी ओबीसी को छूट भी मिलेगी, जहां जिस सीट पर जो कोटा होगा उस कोटे में छूट मिलेगी, और जहां मान लीजिए कोटा नहीं है किसी सीट पर तो वहां छूट नहीं है। तो इसलिए एज लिमिट इसमें क्लियर है कि 40 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं, 40 साल इसमें मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है, उसके ऊपर 5 साल की छूट है। अब बात करें नोटिफिकेशन की, तो भाई 30 जुलाई या 1 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और डेट्स की बात करें तो 2 अगस्त से 17 अगस्त ये इसके फॉर्म फिलिंग की डेट निकाली गई है, 2 अगस्त से 17 अगस्त तक। जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो 17 अगस्त के बाद यानी कि 18 अगस्त अगले दिन से जो आपके फॉर्म है वो संबंधित ग्राम पंचायत में जो कमेटी है उसके पास चले जाएंगे, और फिर उसके बाद उनकी जांच होगी, छटनी होगी, तो ये इसमें रखा गया। तो नियुक्ति का प्रोसेस क्या है, आपकी मेरिट कैसे बनेगी, 10th का आपका प्रतिशत प्राप्तांक, 12th का आपका प्रतिशत प्राप्तांक, और उसमें 2 का भाग दे देंगे, वो आपकी मेरिट बनेगी। जो टॉपर रहेगा उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है, और वैसे ग्राम सभा पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए उस गांव में कोई नहीं मिला तो उस कोटे का, मान लीजिए किसी गांव में एससी की सीट है, एससी कोटे में कोई नहीं मिला तो फिर वहां ग्राम सभा में इस तरह से डिस्कस होकर के वहां उसी कोटे के अन्य व्यक्ति को लिया जाएगा, तो इस तरीके से चांस बन जाता है। लेकिन कुल मिलाकर ये विवाद बहुत तगड़ा होने वाला है इस भर्ती पर, इतना आसान नहीं है इस भर्ती की राह। और सबसे बड़ा जो बैन है वो ये कि जिस ग्राम पंचायत में भर्ती है उसी ग्राम पंचायत का बंदा इसमें आवेदन कर सकता है। तो ये 14 बिंदु है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। एज लिमिट 18 से 40 साल है, मैंने आपको बता दी। तो इसमें एक और इन्होंने रेस्ट्रिक्शन दिया है कि कोरोना से किसी की डेथ हुई है तो उसके आश्रित को यहाँ प्रिफरेंस दिया जाएगा, लेकिन उसके आश्रित को तभी प्रिफरेंस दिया जाएगा जब वो ये योग्यताएं पूरी करेगा, यानी कि वो 10th पास भी होना चाहिए, 12th पास भी होना चाहिए, उसके प्रतिशतों का प्राप्तांक है जो वो है उसमें 2 का भाग देंगे, उस मेरिट में वो आना चाहिए। और अगर मान लीजिए मेरिट वाला बंदा कोरोना आश्रित है, कोरोना मृतकों का आश्रित है, तो उसे जॉब मिलेगा। तो यह मृतक आश्रित में कोरोना से जो डेथ हुई है उसका बेटा हो सकता है, उसकी पत्नी हो सकती है, उसकी बेटी हो सकती है, जिनके इनकम ऑफ सोर्स कोई नहीं है वो हो सकते हैं। तो इस तरीके से भर्ती योगी सरकार उत्तर प्रदेश में करने जा रही है। फिर भी कोई डिटेल आपका तो आप पूछ लेना, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप बताएं जरूर कि क्या इस तरह की भर्ती सही है, क्या इसमें और क्या अमेंडमेंट, क्या अमेंडमेंट होने चाहिए, क्या सुधार होने चाहिए, वो भी आप जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।